में, और हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अपसाइड कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है और डाउनसाइड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। इससे आपको ये फायदा हो सकता है कि आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो और जिस बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी काम कर रहे हो, तो बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है, कहाँ तक अपसाइड से रेजिस्टेंस आएगा और नीचे से कहाँ पे सपोर्ट आएगा, तो आपको स्टॉक्स में भी ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी की वजह से आपके स्टॉक्स गिर भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी आपकी पोजीशन हो तो कहाँ पे आपको कॉल बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है और कहाँ पे फ्यूचर बाय और सेल करना है, ये सारे इस वीडियो से आपको फायदे हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में डेली टाइम फ्रेम से। लास्ट वीक हमने आपको सजेस्ट किया था कि बैंक निफ्टी पिछले 3-4 वीक से पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज तब्दील हो चुका है। कंटिन्यूअसली जो लोअर लो लोअर हाई चल रहा था बैंक निफ्टी में, और वो 3 वीक पहले ही ब्रेक हो चुका था, और हमें कंटिन्यूअसली ये लो लोअर हाई है, ये हायर लो मिल गया था, और जैसे ही लोअर हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने अपसाइड क्लोजिंग दी थी कि डेली टाइम फ्रेम में, ये हमें हायर हाई मिल चुका था, फिर से ये हमें एक लोअर हाई मिला, हायर लो मिला था, और ये फिर से एक प्रीवियस वीक में आपको नया हायर हाई मिला था। और हमने आपको बताया था कि प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है और नीचे में आ सकता है, मगर हमने एक्सपेक्टेड किया था कि 35,500 से लेके 700 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, या फिर 36,000। सब पहला सपोर्ट था हमारा 36,000, ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होते ही हम ऊपर की साइड चले गए थे, तो हमने ये सोच के चल रहे थे कि 36,000 के आसपास, 36,000 से 36,100 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने को आ सकती है, मगर बैंक निफ्टी 36,250 के आसपास ही नीचे में आई, यानी कि तकरीबन 150 से 200 पॉइंट दूर से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी घूम गई, मगर हमें लेटेस्ट लोअर हाई मिल चुका है बैंक निफ्टी में, और फिर से बैंक निफ्टी ने हमारा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग देके अब हमें लेटेस्ट नया हायर हाई भी मिल चुका है। यानी कि पिछले 3-4 वीक से आप देख के चलो कि हमें जो लेटेस्ट हायर लो मिला है वो 36,250 का है, उससे पहले हमारा जो लेटेस्ट हायर लो था वो 34,465 का था, और उससे पहले जो हमारा हायर लो था वो 33,100 के आसपास था। और एवरी टाइम आप देख सकते हो कि जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ है निफ्टी अपसाइड गई है और फिर से करेक्शन दिखाया है, थोड़ा डीप दिखा है, और वो तकरीबन तकरीबन प्रीवियस हायर हाई को नजदीक से छू के फिर से अप ट्रेंड उसने रिज्यूम किया है, और इस दफा हमें क्लोजिंग मिली थी जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था इसके ऊपर, तो हम मान के चल रहे थे कि पहला ये हर्डल मिलेगा हमें 36,000 से 36,100 का, मगर 250 से ही बैंक निफ्टी फिर से घूम गई, और अब हमें फिर से यहाँ तक कंटिन्यूअसली हमने बोला था कि 38,000 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में, वही लेवल आपको 37,700 का आज का हाई आपको दिखाई दिया है, और वो हमारा रीजन ये था 38,000 कि आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि 5 दिन कंटिन्यूअसली एक जोन से बैंक निफ्टी नीचे गया था, ये पहले हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस वजह से हम मान के चल रहे थे कि नीचे में 36,000 और 36,100 के आसपास मिल जाए तो आपको बाई इनिशिएट करना था, और 38,000 तक का पहला टारगेट आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे सकता था, यानी कि सिर्फ 200 से 250 पॉइंट ही हमारा टारगेट रह गया, और तकरीबन आपको 1,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में इस वीक में रैली नीचे से ऊपर तक आपको दिखाई दी है, और तकरीबन 100 पॉइंट का नीचे से हमारा ऊपर आपको दिखाई दी है। अब नेक्स्ट वीक में आप मान के चल सकती हो कि बैंक निफ्टी फिर से एक कूल ऑफ होने के लिए 37,500 के आसपास चल रही है, और कूल ऑफ होने के लिए 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकती है, जो हमारा जो लेटेस्ट हायर हाई है उसको फिर से रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास आएगी, तो 37,000 से 37,100 के आसपास आप बाई इनिशिएट कर सकते हो,
और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 36,300 के आसपास, जो हमारा लेटेस्ट हायर लो है वो आपको स्टॉप लॉस मान के चल रहा है, यानी कि 700 से 800 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 37,000 पे आपको बाई इनिशिएट करना है 700 पॉइंट के रिस्क के सामने। पहला टारगेट आपका 1,000 पॉइंट का ये है, 38,000 का आएगा, और दूसरा हमारा टारगेट जो आएगा वो है 38,700 से 800 के आसपास, यानी कि आप मान के चल सकती हो कि नेक्स्ट वीक में आपको 37,000 के आसपास बाई मिले तो आपको बाई करना है, और आपका अपसाइड में टारगेट रहेगा फिर से 38,000 एंड उसके बाद 38,700 से 800 का, यानी कि आपको 1,700 से 1,800 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है, उसके सामने आपको 700 पॉइंट का रिस्क रहेगा। तो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 के रेशियो में है। करंटली इस लेवल पे बाइंग मना कर रहा हूँ, उसका वही रीजन है कि अपसाइड आपका यहाँ से 1,000 पॉइंट है, और डाउन साइड आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से डाउन साइड में 1,500 पॉइंट का रिस्क है, तो यहाँ पे बाई करना मुनासिब नहीं है, यानी कि करंट लेवल पे आपको बाई इनिशिएट नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, बैंक निफ्टी को थोड़ा कूल ऑफ होने जाने देना है, और डाउन साइड जब भी आपको मिले तो आपको बाई करना है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति बताई जा रही है, और अपसाइड में आपको 38,700 से 800 मिले तो 200 पॉइंट का रिस्क लेके, यानी कि 39,000 का स्टॉप लॉस लगा के डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड हम रिज्यूम करते हैं, और 37,700 और 800 हम डायरेक्ट दिखाते हैं, तो 200 पॉइंट का 39,000 का स्टॉप लॉस रख के आप बेच सकते हो। नीचे में आपको 37,000 से लेके 37,200-300 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि 200 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट मिल सकते हैं, जो डायरेक्टली आप अपसाइड गए तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम में व्यू। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम डाउन ट्रेंड में थे नहीं, पिछले वीक हम जो कंटिन्यूअसली ये लोअर हाई टाइम फ्रेम में चल रहे थे, उसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका था प्रीवियस वीक ही। ये था हमारा लेटेस्ट लोअर हाई वीकली टाइम फ्रेम में, और ये हमारा था उसके बाद हायर लो, और हायर लो के बाद हमें फिर से हायर हाई लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ था, और दूसरा लोअर हाई ही मिला था, और प्रीवियस जो हमारा लोअर हाई था हायर लो था वो ब्रेक करके हमें मिला था फिर से लोअर लो, और हमें जो लोअर हाई ब्रेक करके हायर हाई पिछले वीक ही मिल चुका था, यानी कि हम बैंक निफ्टी में तो मीडियम टर्म में भी बुलिश हो चुके थे पिछले वीक ही, और हमने आपको बताया था कि अब बैंक निफ्टी को एक ही हर्डल उसको एक परेशान कर रहा था, जो फॉलिंग बैंक डाउन ट्रेंड लाइन की चल रही थी चैनल, ये लेवल था आपका 36,800 के आसपास से, 36,800 के आसपास से ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकआउट देते ही आपको अपसाइड कंटिन्यूअसली 1,000 पॉइंट की अपसाइड सिर्फ एक ही वीक में आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दी गई है। इसीलिए हम निफ्टी में भी आपको बताया वीडियो डाला हुआ है कि जैसे ही अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का उसको टच करते ही आपको एक सेल का इनिशिएट करना है, और वो ब्रेक हो जाए तो कंटिन्यूअसली आपको बुल रन फिर से मेजर दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी ये ब्रेक हो चुकी है फॉलिंग ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम में, और अपसाइड है, अपसाइड भी कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो हमारा जो है वो 38,700 से 800, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो ही है बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में भी, और नेक्स्ट वीक में आप मान के चल सकते हो कि हमें अपसाइड में नीचे में दिखाई दे तो ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई है, और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की जो चैनल है, प्रीवियस लोअर हाई और फॉलिंग ट्रेंड लाइन की चैनल को टच करने के लिए 36,500 के और 36,700 के आसपास आपको मिले तो आपको कंपलसरी बाय करना है, और वहां से आपको अपसाइड में
वीकली टाइम फ्रेम में 38,700 से 38,800 तक का टारगेट दिखाई दे सकता है। ये था हमारा वीकली का व्यू। और जैसे ही हमने आपको बताया था कि कोविड से पहले हमें जो हमारा जो हाई मिला था उसको रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी ने मंथली टाइम फ्रेम में तीसरी दफा वहां से 32,500-700 के आसपास से सपोर्ट लेके आज जो वीक मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको क्लोजिंग मिल चुकी है। और ये क्लोजिंग की कैंडल आप देख सकते हो कि है बुलिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु बहुत ही शानदार कैंडलिस्टिक पैटर्न है। ये हमें सजेस्ट करती है कि बैंक निफ्टी में अब बहुत ही अच्छी अपसाइड मंथली टाइम फ्रेम में आपको नेक्स्ट कुछ महीनों में दिखाई दे सकती है। और ये जो दूसरी कैंडल है कंटिन्यूसली हम एक प्रॉफिट बुकिंग और हम मान सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था हमारा बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में, और उसके नीचे ही ये मंथ की कैंडल भी ओपन हुई थी और पिछले वीक की मंथ की पिछले मंथ की कैंडल के ऊपर हमें क्लोज भी मिल गया। यानी कि आप इसको भी कंसीडर करके चल सकते हो। ये जो कैंडल है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी आपको प्रतीत हो रही है। यह इसको वीक को आप छोड़ दो, कंसीडर नहीं करो, तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही ऑलमोस्ट है। तो ये दोनों चार्ट पैटर्न जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कि बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश मारुबुजु हमें ये सजेस्ट कर रही है कि मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार तेजी हमें नेक्स्ट कुछ महीने में दिखाई दे सकती है। यानी कि तीनों टाइम फ्रेम में डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी बुलिश है, तो आपको बाय इन डिप्स की रणनीति अब रखनी है। अभी सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है, तो कृपया करके आप शॉर्ट करने से पहले रेजिस्टेंस के आसपास मिले तो ही शॉर्ट करिए और उसमें भी स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, वरना अभी कंटिन्यूअसली तीनों टाइम फ्रेम में अपसाइड है तो आप ट्रैप हो सकते हो, आपके स्टॉप लॉस आ सकते हैं और आपको प्रॉफिट। और सपोर्ट पे आपको बाइंग का मौका मिलता है तो आप बाई इनिशिएट कीजिए विद स्टिक स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो कॉल पुट कुछ भी 37,000 के आसपास और 38,000 और 38,700 और 800 हमारा नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट रहेगा। ऐसे ही सारे के सारे चार्ट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको चार्ट स्टॉक्स के भी मिल जाएंगे, टारगेट के साथ अपसाइड डाउनसाइड कहाँ तक है वो सारे के सारे व्यू आपको मिल जाएंगे। और कई बार हम फ्री रहते हैं तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे और निफ्टी के इंट्राडे भी हम आपको देते हैं वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप ज्वाइन हो सकते हो लिंक के क्लिक होकर। और हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला है, तो हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लिए के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वहाँ पे हम प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, पोजिशन साइजिंग, फंडामेंटल व्यू और कैसे ही हम स्टॉक्स को और निफ्टी को पहचान सकते हैं वो सारा का सारा कोर्स भी हम सिखाते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।